एक इंसानियत की भी एक बात है, एक कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है हम लोगों की कि जो लोग जो फंसे हुए हैं, जो मुश्किल में हैं, जो दुख के घड़ी में बेबस हैं, लाचार हैं, उनको हम लोग जो है बिहार वापस लाने का काम करें। नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम। और आप सब लोगों ने कल की खबर से सभी लोग वाकिफ होंगे, जो MHA ने जो गाइडलाइंस दिए हैं जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि जो भी लोग माइग्रेंट हैं, लेबर्स हैं, टूरिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो वापस जा सकते हैं, उनको राज्य सरकार वापस लाने का काम कर सकती है। और अगर उस गाइडलाइन में चौथे पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ तौर पे दिखा है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार को ही जो लोग बिहार के बाहर दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं वो बिहार सरकार लाने का काम कर सकती है। और काफ़ी दिनों तक नियम का हवाला दिया गया, इस पे सोच विचार चलते रहे, लगभग 35 दिन हो गए थे, लेकिन कोई कदम जो है वो नहीं उठाया गया था। राज्य सरकार का पहले रोना था कि नियम जो है वो बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने दूसरी तरफ देखा कि दूसरे राज्य के सरकार जो हैं अपने लोगों को वापस लाने का काम किया, उन लोगों ने बसेस भेज भेज करके लाने का काम किया। तो कल जब ये खबर आई MHA का जो गाइडलाइंस आया, उसके बाद जो है लगातार हमारी पार्टी ने भी लगातार मांग करती रही है कि मजदूरों को वापस लाया जाए जो बाहर फंसे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बिहार में हालांकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य में NDA की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में बिहार के लोग जो हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार के लोग जो बाहर हैं, जो श्रमवीर हैं, जो फंसे हुए हैं, अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे वो वापस आ सके। और कल हमने उप मुख्यमंत्री बिहार सुशील मोदी जी का बयान देखा, बिहार सरकार का बयान देखा, जिसमें कि स्पष्ट उनका कहना है कि वो समर्थ नहीं हैं जो बिहार के लोग फंसे हुए हैं उनको बिहार लाने में। और कल एक नीतीश कुमार जी का भी बयान जो है वो सामने आया था, जिसमें आने की बात कही गई थी, बल्कि हमने ट्वीट भी करके उनको बताया कि आने की बात नहीं है, लाने की बात है। आना नहीं है बल्कि बिहार सरकार को उन लोगों को लाने की व्यवस्था करनी है और लेकर के आना है, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिहार के लोग जहां भी फंसे हुए हैं, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। अब तो गाइडलाइंस भी आ गया है, अनुमति भी मिल गई है, और उसमें साफ स्पष्ट रूप से वो लिखा गया है पॉइंट नंबर 4 पे कि सरकार को ही इसको लाना है। और सुशील मोदी जी का जो बयान हमने देखा, लगभग 15 साल तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री रहे, और बिहार सरकार जो है उनके पास कोई संसाधन नहीं है जिससे वो ला सकें लोगों को, ये उनका बयान आया था, जो कि बहुत ही दुखद है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे, मात्र केवल बिहार सरकार के पास 500 से 600 बसेस हैं, 15 साल में इनके पास केवल 600 बसेस हैं। तो हम लोगों ने, हमारी पार्टी इसमें गंभीर थी, लगातार हम लोग जो है मजदूरों के लिए, उनको घर वापस लाने के लिए हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ राशन पहुंचाने की बात हो या हर एक तरीके से हम लोग जो है उनको मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब ये गाइडलाइंस आने के बाद ये ऐसा लगा, बिहार सरकार जब सक्षम नहीं है, संसाधनों की कमी है, तो हमारी पार्टी ने, मैंने ये फैसला लिया कि बिहार सरकार को जितने उनके पास बसेज हैं, 600 बसेज हैं, तो 3 गुना ज़्यादा बसेस राष्ट्रीय जनता दल जो है अपने तरफ से उनको सुपुर्द करने का काम करेगी, उनको देने का काम करेगी। यानी लगभग 2000 बसेस जो हैं हम बिहार सरकार को देने के लिए तैयार हैं। अब गाइडलाइन के मुताबिक सरकार की जिम्मेदारी है, हम चाहेंगे कि सरकार के लोग बताएं कब कहां
पटना में ये बसेस भेजने का काम करना है ताकि हमारे बिहार के लोग जो हैं जो फंसे हुए वो वापस आ सके। और इसमें चाहे अधिकारी हों या आपके स्वास्थ्यकर्मी हों या बिहार सरकार ने नोडल अधिकारी बनाने का काम किया है राज्यवाइज से, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस बस का किस प्रकार से वो लोग उपयोग करने का काम करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि बिहार सरकार जो राष्ट्रीय जनता दल 2000 बसेस की इंतज़ाम किया है उसको राज्य सरकार उसका उपयोग करे और हमारे जो भाई जो फंसे हुए हैं बिहार के लोग उनको वापस लाने का अविलंब, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूँ कि अब सोचने का वक्त नहीं है, अब कर्तव्य निभाने का काम है आपको करना चाहिए, कर्तव्य निभाना चाहिए। अब सोचने का बिल्कुल समय नहीं है क्योंकि उनका दर्द अब हम लोग उसे देखा नहीं जा रहा। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, आपके पास व्यवस्था में कमी थी, हम लोग जो है संसाधनों की कमी थी, तो हमारी कोशिश है कि उसको हम लोग अपने हिसाब से जितना हो सकता है हम सरकार को सहयोग करें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। हम लोगों ने लगातार किया है और करते रहे हैं, ये राजनीति की बात नहीं है, एक इंसानियत की भी एक बात है, एक कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है हम लोगों की कि जो लोग जो फंसे हुए हैं जो मुश्किल में हैं जो दुख के घड़ी में बेबस हैं लाचार हैं उनको हम लोग जो है बिहार वापस लाने का काम करें। इसलिए हम लोग हमारी पार्टी ने 2000 बसेस का इंतज़ाम किया है। मैं चाहूँगा कि बिहार सरकार के लोग इस पर बताएं कि कहाँ बसेस भेजनी है, वो हम लोग भेजने का काम करेंगे और पूरी तरीके से बिहार सरकार जो है बस का इस्तेमाल करें, लोगों को लाने का काम करें। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जब सुशील मोदी जी का बयान आया, इतने सालों तक उप मुख्यमंत्री रहे तो काफ़ी दर्द हुआ कि बिहार जो है सक्षम नहीं है, ऐसा लग रहा था कि ये लाना ही नहीं चाहते हैं बिहार के लोगों को। और यही पार्टी है बीजेपी जिसके उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी नेता हैं, सरकार जो है चोरी छुपे बना लेते हैं, विधायकें खरीद लेते हैं, विधायकों को बुलाने के लिए चार्टर्ड प्लेन भेज सकते हैं, लेकिन हमारे गरीब भाई मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको बुलाने में असमर्थता जताने का काम कर रहे हैं। मतलब बेबस है सरकार के पास, ऐसा लगता है कुछ नहीं है। वही बिहार सरकार है आदरणीय नीतीश कुमार जी, पीआरडी डिपार्टमेंट में लगातार जो है 500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं विज्ञापन पे, 500 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च होते हैं, लेकिन हमारे मजदूरों को लाने के लिए संसाधनों की कमी हो जाती है। ये बहुत ही अफसोसजनक है, दुख होता है। और हम लोग जो हैं, आप सबको पता है हमने ये फैसला किया है क्योंकि 1 मई शुक्रवार जो कल है उसको हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के तौर पे मनाते हैं। एक सांकेतिक उपवास हम हमारे पार्टी के लोग, और मैं चाहूँगा आप सब लोग जो हैं इसमें शामिल हों, एक सांकेतिक उपवास करें 10 से 12 बजे 1 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, और इसमें भाग लें, सहयोग करें ताकि सरकार पे दबाव आए और जब तक हमारे भाई वापस बिहार नहीं आ जाते तब तक हम लोग जो है उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं आप लोगों को कहना, पार्टी ने लगातार जो है ये फैसला लिया है कि उनके साथ उनके संघर्ष में उनके इस दुख की घड़ी में हम लोग उनका साथ हमेशा रहेंगे, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। लेकिन अब ये 2000 बसेस का इस्तेमाल जो है राज्य सरकार कैसे करती है ये राज्य सरकार को बताना है। अब कोई बहाना नहीं चाहिए, सभी लोगों की, बिहार के जितने लोग हैं सब लोग चाहते हैं, चाहे कोटा में फंसे छात्र हों या मजदूर हों या और किसी कारणवश से दूसरे राज्य में फंसे हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि वो बिहार आएं, और बिहार में जो लोग हैं वो लोग भी चाहते हैं जो लोग फंसे हुए हैं वो बिहार आ जाएं। तो इसलिए हम लोगों ने
जो व्यवस्था की है उसका सरकार जो है उपयोग करे, यही हम लोग कहना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन राज्य सरकार को थोड़ा गंभीर होकर के जो है हम लोग लगातार सहयोग कर रहे हैं, उनको भी जो है एहसास दिलाना चाहिए, जनता ने उनको चुना है जनता के भलाई के लिए। लेकिन इस प्रकार से लग नहीं रहा कि बिहार सरकार जो है कुछ कर पा रही है चाहे। और हमने ये भी मांग की, ये अगर बिहार आप बसेस का इस्तेमाल करते हो, संसाधनों का इस्तेमाल करते हो जो हम लोग आपको देने का काम कर रहे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए और सोचिए मत, तुरंत अविलंब उनको लाइए। और ये नहीं कि लाने के बाद जो है उनको, पहले तो यही सवाल खड़ा होता है कि उनको लाएंगे भी कि नहीं लाएंगे। अब तो हम लोगों से जितना बल पड़ेगा, 2000 अभी हम लोगों ने व्यवस्था कराई है, आगे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक आंकड़ा देना चाहते हैं, बिहार में लगभग 10,000 से ज़्यादा प्राइवेट बसेस हैं, 10,000 से ज़्यादा, जिसमें कि 2,000 बसेस का हम लोगों ने इंतज़ाम किया है और बिहार सरकार के पास मात्र 600 बसेस हैं। और हमने कई डबल इंजन की सरकार है, कई राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार है, उनके समर्थक दलों की सरकार है, वो लोग भी मदद कर सकते हैं। अगर बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी अगर लग करके उन सभी सरकारों से बात करें, कोऑर्डिनेट करें, तो वो व्यवस्था वो लोग भी करा सकते हैं बसेस की, लाने की। रेलवे का भी ट्रेन का भी व्यवस्था कराया जा सकता है, स्पेशल ट्रेन्स भी खोले जा सकते हैं जहाँ तक उनको आए। लेकिन ख़ास तौर पर अगर उनको लाया जाता है तो व्यवस्था जो है ये नहीं कि उनको कहीं भी फेंक दिया जाए, रख दिया जाए, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, क्वारंटाइन की व्यवस्था होनी चाहिए, एक प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन बिहार में हम लोगों ने जितना भी आइसोलेशन सेंटर्स देखे हैं उसकी स्थिति बहुत ही बद से बदतर है, और कोई चीज़ों, हर एक चीज़ों की कमी है, पीपीई किट्स की कमी है, टेस्ट्स की कमी है, टेस्टिंग किट्स नहीं हैं, और भी मास्क से लेकर के सैनिटाइज़र से लेकर के बहुत चीज़ों की समस्याएं हैं। बिहार सरकार को इसमें 3-4 ही चीज़ें करना था इस दुख के घड़ी में, इस महामारी में। खाने पीने का इंतज़ाम लोगों का करना था, राशन पहुंचाना था, उसमें धांधली हुई। दवा लोगों को पहुंचाना था, अस्पतालों को बेहतर बनाना था, आइसोलेशन वार्ड्स बनाने थे, अच्छे साफ सुथरे सेंटर्स बनाने थे, टेस्टिंग करानी थी, उसमें भी विफल रहे। लोगों जो फंसे हैं उनको लाने का व्यवस्था कराना चाहिए था, उसमें असफल रहे हैं। चाहे चमकी बुखार हो उसमें असफल रहे हैं, बाढ़ हो, आपदा हो, पटना में जल जमाव की स्थिति हो, लगातार जो है सरकार जो है हाथ खड़े कर देती है, कहती है उनके बस की नहीं है, ऐसा लगता है सब कुछ भगवान भरोसे है। इसलिए हम लोग सचमुच में राजनीति नहीं करना चाहते इस दुख की घड़ी में, हम लोग सहयोग कर रहे हैं। और इस सहयोग को कम से कम सरकार जो है इसको जो है लेने का काम करे, सहयोग को लेने का काम करे, और लोगों के भलाई के लिए लोगों को बिहार वापस लाने का काम करे। इसलिए हम सभी लोगों से ये अपील करेंगे कि वाकई में आप सब लोग अगर एकजुट होकर के जो 1 मई का जो राष्ट्रीय जनता दल और हम सभी लोगों का कार्यक्रम है सांकेतिक उपवास, घर में ही बैठ करके शारीरिक दूरी बना करके गाइडलाइंस का पालन करते हुए अगर हम लोग ये करते हैं, एकजुट रहते हैं, क्योंकि एकता में ही शक्ति है, तो मेरे ख्याल से राज्य सरकार की आंखें खुलेंगी, नींद खुलेगा, और वो बेशक जो है हम लोग कामना करते हैं नीतीश कुमार जी से कि आप आगे बढ़ें, हम लोगों से जो हो सकेगा हम लोग करेंगे। और क्योंकि ये देखा नहीं जाता, बच्चे जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं सड़क में बैठ करके, मजदूर जो हैं वो गुस्से में हैं, मजदूर वो जो मजदूर भाई उनको उनकी परिवार की चिंता है, परिवार को उनकी चिंता है, उनका दर्द हम लोग सब लोग समझते हैं। और इस दर्द के घड़ी में, दुख के घड़ी में हम सब लोग को, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, एक इंसानियत के लिए हम लोगों को आगे बढ़ करके उन सभी लोगों का मदद करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, और एक बेहतर बिहार और कोरोना मुक्त बिहार बनाने के लिए सभी लोगों को काम करना चाहिए। यही हम कामना करते हैं कि ये लोग करेंगे। 2000 जो भी और भी संसाधनों की ज़रूरत होगी तो हम लोग जो है कोशिश करेंगे, जो हम लोग के बल में है, जो हो सकता है, वो हम लोग ज़रूर सरकार को मदद पहुंचाने के लिए सहयोग करेंगे। और इसमें
कोई श्रेय की बात नहीं, मुझे श्रेय नहीं चाहिए, क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर श्रेय और क्रेडिट चाहिए तो नीतीश कुमार जी आप अपने पास रख लीजिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है श्रेय क्रेडिट का। लेकिन हमारी एक ही ख्वाहिश है कि वो जो मजदूर भाई जो फंसे हैं आप उनको ज़रूर वापस लाने का काम कीजिए, क्योंकि गाइडलाइन के हिसाब से साफ तौर पे उस गाइडलाइन में 4A में लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार को ही ये काम करना है। और ख़ास तौर पर नीतीश कुमार जी आने की बात नहीं बल्कि लाने का काम कीजिए, लाने का काम कीजिए। आप सभी जितने भी भाई यहाँ जुड़े हैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग लगातार जो हैं हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मजबूती देने का काम कर रहे हैं, मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि जो गरीब भाई हमारे जो फंसे हुए हैं, जो बिहार से दूर हैं, हम लोगों को बल मिले ताकि और उनकी सेवा हम लोग करते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से आपके बीच में फेसबुक में आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।